हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम हर्ली वर्ली पार्ट थ्री बुक में पढ़ेंगे डेज एंड मंथ। क्या पढ़ेंगे हम आज? डेज एंड मंथ। वन वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। एंड वन मंथ, वन ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। ओके, रीड एंड लर्न। यहाँ पे डेज नेम दिया है, उसको हमको रीड करना है और लर्न करना है, और नीचे मंथ नेम दिया है, उसको भी हमको रीड करके लर्न करना है विथ स्पेलिंग। ओके, तो डेज नेम हम पढ़ेंगे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ओके, ये हमारे डेज नेम हो गए थे। वन वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। एंड वन ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ओके, तो वन ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ। एंड वन वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज। ओके, हम अपने नेक्स्ट पेज पे भी मूव करेंगे। यहाँ पे भी दिया है डेज एंड मंथ। राइट द डेज विच कम्स आफ्टर एंड बिफोर। यहाँ पे आफ्टर राइट करना है और यहाँ पे बिफोर राइट करना है। ओके, संडे के बाद कौन सा डे आता है? संडे के बाद मंडे, ट्यूजडे के बाद वेडनेसडे, फ्राइडे के बाद सैटरडे आएगा, थर्सडे के बाद फ्राइडे, मंडे के बाद आएगा आपका ट्यूसडे। ओके, मंडे के बाद क्या आएगा? ट्यूसडे। ओके, एंड बिफोर में सैटरडे से पहले कौन सा डे आता है? फ्राइडे के बाद सैटरडे आता है, तो सैटरडे से पहले कौन सा डे आता है? फ्राइडे। मंडे से पहले आएगा आपका ट्यूसडे, सॉरी संडे। वेडनेसडे से पहले आता है ट्यूसडे, ट्यूसडे से पहले आपका आएगा मंडे, एंड थर्सडे से पहले कौन सा डे आता है? वेडनेसडे। ओके, तो ये हमारा हो गया बिफोर। नीचे भी आपको वैसे ही राइट करना है, राइट द मंथ विच कम्स आफ्टर एंड बिफोर। सो जनवरी के बाद आता है फरवरी, मार्च के बाद अप्रैल, फरवरी के बाद आएगा आपका अब मार्च आएगा। ओके, तो ये वाले कॉलम्स आप खुद से फिल करिएगा। तो हम अभी नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे अपने। यहाँ पर दिया है ट्रांसपोर्ट। अनजम्बल द लेटर्स एंड राइट द नेम्स ऑफ द व्हीकल्स इन द बॉक्सेस, मैच देम विद देयर पिक्चर्स। ओके, यहाँ पे व्हीकल्स के नेम दिए हुए हैं जिनकी स्पेलिंग जम्बल है, मतलब इधर की उधर ही स्पेलिंग है, उनको आपको करेक्ट फॉर्म में इन बॉक्स में राइट करना है, और यहाँ पे जो पिक्चर दिया है उसको मैच कराना है। ओके, तो ये किसकी स्पेलिंग है? कार की स्पेलिंग, सी ए आर, कार, कार से मैच कराएंगे। सिप, एस एच आई पी, सिप, सिप से मैंने मैच कराया है। यहाँ पे जे डबल ई पी, जीप, जीप से मैच कराएंगे। बाइसाइकिल, बी आई, सॉरी ट्रेन, टी आर ए आई एन, ट्रेन। बी आई सी वाई सी एल ई, बाइसाइकिल। एरोप्लेन, ए ई आर ओ पी एल ए एन ई, एरोप्लेन। स्कूटर, एस सी डबल ओ टी ई आर, स्कूटर। स्कूटर हमारा एकदम टॉप पे है। ओके, बस, बी यू एस, बस, बस से मैच करा हमने। हेलीकॉप्टर, एच ई एल आई सी ओ पी टी ई आर, हेलीकॉप्टर, यहाँ पे मैच करा हमने। रिक्शा, आर आई सी के एस एच ए डब्ल्यू, रिक्शा। ओके, रिक्शा से हमने यहाँ पे मैच कराया। अभी हम अपने नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे। यहाँ पे भी दिया है आइडेंटिफाई द ट्रांसपोर्ट एंड राइट एल फॉर लैंड ट्रांसपोर्ट, डब्ल्यू फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट एंड ए फॉर एयर ट्रांसपोर्ट इन द सर्कल्स गिवन बिलो द पिक्चर्स। ओके, यहाँ पे व्हीकल्स के पिक्चर्स बने हुए हैं, कौन सा व्हीकल्स लैंड पे चलता है, कौन सा वाटर में और कौन सा एयर पे, आपको वो लेटर वहाँ पे राइट करना है। तो कार, बस एंड स्कूटर, ये सब हमारे लैंड पे चलते हैं, तो ये हमारे लैंड ट्रांसपोर्ट हो गए, तो यहाँ पे हम एल राइट करेंगे। ओके, कार, बस एंड स्कूटर, ये हमारा लैंड ट्रांसपोर्ट है। ओके, अब हम वाटर ट्रांसपोर्ट राइट करेंगे, डब्ल्यू फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट। शिप एंड बोट कहाँ चलता है? वाटर में, तो ये हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया। एंड एयर ट्रांसपोर्ट, हेलीकॉप्टर जो हवा में उड़ते हैं, एंड एरोप्लेन। सो आप लोग एक्सरसाइज कंप्लीट करके मैम को ग्रुप में सेंड करिएगा। बाय।